हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं धनिया चकली। तो धनिया के हम पत्तों का प्यूरे करेंगे। फ्रेश कोरिएंडर लीव्स को लीजिएगा और प्यूरे कर लीजिएगा इस तरीके से। इसके साथ साथ हमने चकली बनाने के लिए चावल का आटा लिया है 1 कप। आधा कप हमने मैदा लिया है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट स्वाद अनुसार, और 1 टीस्पून हमने हींग लिया है, 1 टीस्पून हमने जीरा। और ये चकली मेकर की मशीन है जिसमें मैंने स्टार शेप वाला मैंने सांचा लिया हुआ है। आप कोई भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, ठीक है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ मैंने 1 टेबल स्पून हम घी का इस्तेमाल करेंगे। तो अपना डो रेडी करते हैं, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना डो बनाने के लिए हम ये इंग्रेडिएंट मिक्स कर लेते हैं, सारे के सारे ड्राई इंग्रेडिएंट जितने भी हैं, ये मिर्ची, नमक, हींग, जीरा, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें घी डालेंगे। घी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, 1 टेबल स्पून करीब हम इसमें घी डाल रहे हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपना ये धनिया पत्ती का जो प्यूरे बनाया था उसे स्लोली स्लोली ऐड करेंगे। हमें एक सॉफ्ट डो लगाना है। धनिया पत्ती का बहुत अच्छा हरा रंग आया डो में। अब इस डो को 15 टू 20 मिनट्स के लिए रेस्ट करने रखते हैं, फिर हम इसको डालेंगे अपनी चकली मेकर वाली मशीन में। हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम इस प्लेट में अपनी चकली बनाएंगे। इसमें मैंने बटर पेपर लिया है। अगर बटर पेपर नहीं हो तो आप कोई भी A4 शीट ले लीजिएगा, उस पर ऑयल लगा लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम, ये हमारा चकली मेकर है, ये मैंने स्टार शेप का लिया हुआ है सांचा। इसको रखना है इस तरीके से, इसको इस तरीके से इसको इसमें फिट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसका एक लॉक बनाना है। इसको ऐसे लेना है, इसको इस तरीके से इसमें डाल लेना है और उसको ऊपर तक फिल कर लेना है। अच्छे से फिल कर लेना है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मशीन को बंद कर लेते हैं। ये मशीन का ऊपर का पोर्शन है, इसको इस तरीके से इस पर फिट कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। इस मशीन में डो फिल करने के बाद आपको क्या करना है, ऑयल गरम करने रखना है आपको। और ये मैंने 2 कप ऑयल रखा है इसको तलने के लिए। ऑयल को मीडियम गरम करना है, उसके बाद हम इसे डालेंगे बनाने के लिए। अगर आप प्लेट पे नहीं बनाना चाहते तो डायरेक्टली ऑयल में भी डाल सकते हैं अपनी चकली को और कोरिएंडर स्टिक्स को। तो चलिए, तेल अभी अच्छे से गर्म नहीं हुआ है, इसको गर्म होने देते हैं। गर्म हो गया है। अब बहुत ही केयरफुली क्या करेंगे, इस मशीन को लीजिएगा और बिल्कुल धीरे धीरे डालिएगा अपनी चकली को। देख रहे हैं इतनी आसानी से आप इसे डाल सकते हैं ऑयल में।
उसको तोड़ लीजिएगा। और ये देखिए हमने अपनी डाल दी है चकली। अब इसको अच्छे से एक तरफ कुक होने दीजिएगा, उसके बाद हम इसको पलटेंगे। अभी आप इसको टच मत करिएगा, अदरवाइज ये टूट जाएगा। फ्लेम लो कर दीजिएगा, आपको लग रहा है कि ज़्यादा हाई है। काफ़ी अच्छे से कुक हो रहा है, देख रहे हैं। अभी इसको अच्छे से कुक कर लेते हैं एक तरफ को। अभी ये काफ़ी सॉफ्ट है, अभी इसको टच नहीं करेंगे हम। अब क्या करना है, एक तरफ से कुक हो चुका है, कांटे वाली चम्मच लीजिएगा और बहुत ही बिल्कुल हल्के हाथों से इसको, देख रहे हैं, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको पलटिएगा। इसे पलटिएगा बिल्कुल हल्के हाथों से। अब इसको इस तरफ भी 102 मिनट और कुक करेंगे, फिर इसको हम निकाल लेंगे। अब ये कुक हो गए हैं, अब इसको बिल्कुल आराम से हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेते हैं। बहुत केयरफुली निकालिएगा। अब इसको टिश्यू पेपर में डाल लेते हैं हम। इसी तरीके से हम बना के तैयार कर लेते हैं अपने सारे स्टिक्स को, फिर इनकी प्लेटिंग करेंगे। देखिए गाइस, हमने धनिया चिकली बना ली है और बहुत ही सुंदर लग रही है। आप भी बनाइए, वीडियो पसंद